उड़ीसा के पूर्वी घाट कुदरती खूबसूरती और खनिज संपदा से भरे पड़े हैं। लेकिन इन्हीं पहाड़ियों में माओवादियों का गढ़ भी है। आज लाल पट्टी का यह हिस्सा बड़ी सुर्खियों में है, न केवल यहाँ चल रही हिंसा की वजह से बल्कि माओवादियों के भीतर पनपे कलह के कारण भी। वो क्रांति के लिए हम कुछ भी करेंगे वो सही होगा, ये तो हम नहीं मानेंगे। जो सही मायने में दुश्मन नहीं है उनके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। किस लोग को हम इन्फर्मर के नाम में मुहरा लगा के मार रहे हैं, किसी को हम पॉलिटिकल लोग राइवलिटी है उसको भी मार रहे हैं वही मुहरा लगा के। मास लाइन क्लास लाइन इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। आपका जमाने में आप मोबाइल टावर उड़ाएंगे तो जनता गुस्सा होंगे, क्या करेंगे? जनता सोच रहे भाई रोड होने से हम थोड़ा जाएंगे, शहर को जाएंगे। आप बोलेंगे भाई रोड होने से प्रोटेक्टर पीपल शहर नहीं चलेगा, तो कैसे सोसाइटी में अपना डेवलपमेंट कैसे, उसी के हिसाब से हम अपना जो क्रांति का रास्ता बनाएंगे। ये नहीं कि चीन में ऐसे हुआ था, रूस में ऐसे हुआ था, 2000 साल के पहले क्या हुआ था, ये उसी तरीका में आज इट इज हम लोग यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे, ये नहीं। तो मेरा सोच है इसमें तो ये स्ट्रक्चर को चेंज करना है। सब्यसाची पांडा जो कुछ वक्त पहले तक सीपीआई माओवादी की उड़ीसा इकाई का सचिव था, आज पार्टी से निकाल दिया गया है। माओवादी पार्टी मेरे को निकाल दिए और काल किसको निकाल देगा, लेकिन देश में क्रांति नहीं बन जाएगा ना। अगर देश को क्रांति बनाने के लिए चाह रहे हैं तो दूसरे जो छोटे छोटे पार्टी है उसको जोड़ के कैसे चलाएंगे बोल के वो सोचना चाहिए। 2008 में विश्व हिंदू परिषद के नेता स्वामी लक्ष्मणानंद की हत्या के पीछे पांडा का हाथ था। फिर इस साल दो इतालवियों के अपहरण से वो एक बार फिर से सुर्खियों में आया, लेकिन जब उसने हिंसा की राजनीति का विरोध किया तो ये उसकी पार्टी को रास नहीं आया। उसने सीपीआई माओवादी के सबसे बड़े नेता मोपल्ला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति को लिखी चिट्ठी में न केवल हिंसा का विरोध किया है बल्कि माओवादी आंदोलन के भीतर पैदा हो रही कमियों को भी उजागर किया है। इसी चिट्ठी को सार्वजनिक करने के आरोप में पांडा को पार्टी से निकाल दिया गया है। सब्यसाची पांडा ने 39 पन्नों की ये चिट्ठी सीपीआई माओवादी के महासचिव मोपल्ला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति के साथ साथ दो वरिष्ठ पॉलिट ब्यूरो सदस्यों नारायण सान्याल और अमिताभ बागची को भेजी, जिसमें साफ तौर पर माओवादियों के भीतर पनप रहे मतभेद, महिला काडर की मुश्किलें और बड़े नेताओं की तानाशाही का जिक्र है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि किन हालात में सब्यसाची को ये चिट्ठी लिखनी पड़ी। हमने सच्चाई का पता लगाने के लिए पूर्वी घाट की पहाड़ियों का रुख किया। नक्सलियों के मुखबिरों और कुछ गांव वालों ने हमें सब्यसाची पांडा तक पहुंचने में मदद की, लेकिन इन उबड़ खाबड़ रास्तों को रात के वक्त पार करना कतई आसान नहीं था, खासतौर से तब जब चारों ओर सुरक्षा बलों का घेरा हो और पुलिस के मुखबिरों का नेटवर्क फैला हो। भुवनेश्वर से कोई 250 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमने एक स्टेट हाईवे को छोड़ा और उसके बाद 3.5 घंटे तक मोटरसाइकिलों की मदद से ईस्टर्न घाट्स की पहाड़ियों को पार किया और अब 4:30 बजे हम इस गांव में पहुंचे हैं जहां हमें बताया जा रहा है कि आगे का रास्ता हमें पैदल ही तय करना होगा। यहां से करीब 2 घंटे पैदल रास्ता घने जंगलों में तय करने के बाद हमें जंगल में ही इंतजार करने को कहा गया। फिर कुछ घंटों बाद इसी जगह पर पहुंचा सब्यसाची पांडा। बातचीत में पता चला कि कैसे माओवादियों के भीतर घमासान चल रहा है। उड़ीसा, जिसे माओवादी झारखंड और छत्तीसगढ़ के बाद अपना नया किला बनाना चाहते हैं, वहां कैसे उड़िया काडर का मनोबल गिरा हुआ है। ऐसे हालात में सब्यसाची पांडा ने अपने सबसे बड़े नेता को ये चिट्ठी लिखी। उसने पहला हमला माओवादियों की ओर से की जा रही बेसिर पैर की हिंसा पर किया, जिसे वो क्लास एनाइलेशन के नाम पर सही ठहराते हैं। गणपति को लिखी चिट्ठी में पांडा कहता है कि माओवादी किसी को भी पुलिस का मुखबिर बताकर मार रहे हैं। वो किशन जी जैसे पोलिट ब्यूरो सदस्यों पर भी कमेंट करता है, जैसे वो कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने एक भी पुलिस वाले को नहीं मारा। मैं पूछता हूं कि क्या पुलिस वालों को मारना ही क्रांतिकारियों का एक काम बचा है? बोलने के लिए हम मारेंगे ये ठीक नहीं। आप मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, इन्फॉर्मर बन के पुलिस ला रहे हैं, हम आपको मारेंगे ये अलग है, लेकिन आप मेरे खिलाफ बोल रहे हैं इसीलिए हम आपको मार देंगे, ये सही नहीं है। लेकिन माओवादी पार्टी में तो और आपने उनके खिलाफ बोला, वो उन्होंने आपको पार्टी से निकाल दिया। पार्टी से निकालना तो वो कहाँ निकाले भाई, हम पहले निकल चुके हैं, हम पहले निकल चुके हैं। हालात ऐसे बना दिए, ठीक है वो निकाल देने से निकल सकते, एक पार्टी से निकल सकते, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है।
वो पार्टी से निकालेंगे, वो पार्टी निकालेंगे ये क्या कर, पूरा देश उनका, मैं सबको निकाल दूंगा, पूरा देश आके मेरे पास रह जाएगा क्या। पांडा ने बीजेडी के एमएलए जगबंधु मांझी की हत्या पर भी सवाल खड़े किए हैं। मांझी को पिछले साल माओवादियों ने मार डाला था। पांडा ने गणपति को लिखी अपनी चिट्ठी में कहा है, अपनी जान के खतरे को भांपते हुए मांझी ने मुझसे संपर्क किया, वो पार्टी के आगे पेश होना चाहता था लेकिन डर की वजह से वो छत्तीसगढ़ या आंध्र उड़ीसा बॉर्डर कमेटी के माओवादियों के आगे समर्पण नहीं करना चाहता था। मैंने सेंट्रल कमेटी के सदस्यों को बहुत पहले ये बता दिया लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला और जगबंधु मांझी को मार दिया गया, हालांकि वो अपाहिज था और व्हील चेयर पर था। ये पहला मौका नहीं है कि आजाद आवाज बुलंद करने पर माओवादियों ने अपने ही किसी कॉमरेड को पार्टी से निकाल दिया हो। India's number one news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for Retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.